नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित हैं इस बार की गर्मी की छुट्टियों में आप लोग अपने गांव या कहीं घूमने नहीं जा सके नहीं जा सके ना कोई बात नहीं एक बात मैंने आपसे कहनी है कि गर्मी की छुट्टियों में या किसी भी छुट्टियों में आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं पहाड़ों की सैर पर है ना? या फिर समुद्र के किनारे है ना यहीं घूमते हैं ना हम पर आप लोग गांव भी तो जाते होंगे शहर के लोग अक्सर छुट्टियों में गांव की तरफ भागते हैं अपने गांव जाते हैं दादा दादी के पास नाना नानी के पास हाँ नाना नानी के पास बड़ा क्रेज होता है नाना नानी के पास जाने का मैं तो बचपन में अपने नाना नानी के घर जाने के लिए बड़ा उत्साहित रहता था छुट्टियाँ हुई नहीं कि नाना नानी के घर चलो बहुत शरारतें खूब धमा चौकड़ी और खूब मस्ती करते थे तो बच्चों आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ में नायक अपने नाना नानी के घर अपने मामा के घर की ही कहानी कहता है इससे पहले कि हम कहानी की तरफ बढ़ें मैं आप लोगों से छोटी सी बात और पूछना चाहता हूँ आपने अपनी मम्मी के हाथ में कुछ पहने हुए देखा है घड़ी के सिवा अपनी बहन के हाथ में पहने हुए कुछ देखा है देखा है ना कड़े चूड़ियाँ सोने की चूड़ियाँ चांदी की चूड़ियाँ और कांच की चूड़ियाँ तो अक्सर ही देखते होंगे आप लोग देखते हैं ना कांच की चूड़ियाँ लाख की चूड़ियाँ देखी आप लोगों ने लाख की चूड़ियाँ लाख की चूड़ियाँ पहले बहुत पहनी जाती थी तब जब कांच की चूड़ियाँ नहीं होती थी कांच की चूड़ियाँ आने के बाद लाख की चूड़ियों का फैशन कम हुआ लेकिन नए युग में लाख की भी अनेक तरह की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लाख की चूड़ियाँ बच्चों लाख की चूड़ियाँ मशीनी युग से पहले गाँव में बनाई जाती थी गाँव में हस्तशिल्प कला की एक मुख्य धुरी थी लाख की चूड़ियाँ बच्चों गाँव में आपने देखा है ना लकड़ी के काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं लोहे के काम करने वाले को लुहार कहते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं उसी तरह से लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले कारीगर को मनिहार कहते हैं इस पाठ में चूड़ियाँ बनाने वाले एक मनिहार के जीवन की बात की है ये कहानी बदलू नाम के उस मनिहार की है जो लाख की चूड़ियों का एक मशहूर कारीगर है तो चलिए कहानी शुरू करते हैं कहानी के नायक जनार्दन अपने नानी के गांव यानी मामा के घर अक्सर जाया करते थे जब भी छुट्टी हुई वो चाहते थे कि वो अपने मामा के घर पहुँच जाएँ और इसलिए नहीं कि मामा के घर जाकर खूब मस्ती करनी है वो इसलिए भी जाते थे क्योंकि मामा के गांव में बदलू नाम के कारीगर के साथ उनका बड़ा लगाव था अब लगाव क्यों था क्योंकि लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला बदलू वो कारीगर चूड़ियाँ बनाने के बाद जो लाख बचती थी उसकी छोटी छोटी रंग बिरंगी गोलियाँ वो नायक को देता था अब छोटे बच्चे थे नायक तो छोटे बच्चे को गोलियाँ पसंद आती हैं ना आप लोगों को कंचे पसंद आते हैं ना तो लाख के एक वो कंचे होते थे लाख की छोटी छोटी गोलियाँ होती थी रंग बिरंगी गोलियाँ जो बच्चे को अपनी ओर आकर्षित करती थी छोटा बच्चा गोलियों से इतना जुड़ जाता है उसे रंग बिरंगी गोलियाँ इतनी अच्छी लगती हैं कि वो बदलू के पास ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताता है मामा के घर जाने के बाद नायक बहुत सारा समय बदलू के घर बिताते बताते हैं कि बदलू के घर में जाकर वो घंटों उसके पास बैठकर चूड़ियां बनाते हुए देखते हैं बदलू के घर के आगे का बेड़ा जिसे सहन कहा जाता है बच्चों वो बेड़ा जो घर के आगे है जहां मवेशी बांधे जाते हैं या घर का कोई काम किया जाता है पेड़ होते हैं उसी सहन में एक नीम का पेड़ है नीम के पेड़ के नीचे मछिये पर बैठकर बदलू लाख की चूड़िया बनाता है साथ में भट्टी जल रही है जिसमें लाख पिघलाई जाती है और लाख पिघलाने के बाद वो उसे बेलनाकार मुंगेरियों के ऊपर चिपकाकर गोलाकार देकर उसे रंग बिरंगे रंगों में रंग कर रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाता है और नायक उनके पास जाता है तो बदलू उसे भी बैठने को मछिया दे देता है और उससे बातें करता रहता है बच्चों मछिया क्या होती है मछिया बांध या सुतली से बना हुआ आधुनिक ज़माने में जिसे स्टूल कहते हैं पुराने ज़माने का स्टूल होता था जिस पर बैठकर लोग अपना काम करते थे या आपस में बातें भी करते थे तो एक मचिया पर बैठकर तो बदलू काम करता था दूसरी मचिया पर नायक बैठता था और उनसे बातें करता रहता था बदलू इतना अच्छा कारीगर था कि वो उसकी चूड़ियाँ न केवल उसके गाँव में सभी औरतें पहनती थीं बल्कि आसपास के गांव के लोग भी उसकी चूड़ियाँ ख़रीदने के लिए उसके पास आते हैं पर बदलू की एक विशेषता है बच्चों बदलू कभी भी पैसे के बदले चूड़ियाँ नहीं देता यानी चूड़ियों को पैसे से बेचता नहीं है बल्कि चूड़ियों को अनाज के बदले देता है या किसी ज़रूरत की चीज़ लेकर ही वो चूड़ियाँ देता है उसे वस्तु विनिमय कहते हैं वस्तु विनिमय मतलब वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान और उसके बदले पैसे नहीं पैसे तो आजकल के ज़माने में दिए जाने लगे बच्चों पैसे देने का मतलब है कि हम किसी वस्तु की कीमत देकर उसे मजदूरी देकर हम उसे मजदूर बना देते हैं बदलू मजदूर नहीं बनना चाहता वो तो चाहता है कि उसे जीने के लिए उसके जीवन के निर्वाह के लिए चीज़ मिल जाए इसीलिए वो वस्तु विनिमय में विश्वास रखता है वो अपनी चूड़ियों को बेचता नहीं हाँ वो चाहे साल भर किसी को मुफ्त में चूड़ियाँ दे दे लेकिन किसी के घर यदि विवाह हो तो सुहाग का जोड़ा देते समय वो सारे साल की कसर निकाल लेता था उसको उसके घर के लिए अनाज भी चाहिए वो उस समय वो अपनी पत्नी के लिए पूरे कपड़े भी लेता था अपनी पगड़ी भी लेता था और पैसे अलग से लेकिन सारा साल वो अनाज के बदले केवल चूड़ियाँ बेचता था उसका ये स्वाभिमान आखिर तक बना रहा लेखक बताता है कि जब भी वो उनके पास जाता था तो वो केवल बातें ही नहीं करते थे और गोलियां ही नहीं देते थे बल्कि बदलू काका उनकी गाय के दूध की मलाई भी देते थे मलाई इकट्ठी करके वो उसे खिलाते थे अपने बाग के खूब पके हुए आम भी लेखक को खिलाते थे नायक वहां से खूब आम खाकर आता था आम के मौसम में नायक कहता है कि कई साल तक तो मैं ऐसे ही जाता रहा जब मैं छोटा था और बदलू काका के पास जाता रंग बिरंगी गोलियाँ लेता और रंग बिरंगी गोलियाँ इकट्ठे करके बहुत खुश होता क्योंकि वो दूसरों को नहीं मिलती थी केवल मुझे मिलती थी और इससे मुझे बहुत खुशी होती थी लेकिन फिर नायक ना कहता है कि कई साल तक मैं अपने नाना के गाँव नहीं जा सका क्योंकि पिताजी की दूर बदली हो गई और पिताजी की दूर बदली होने के कारण शहर में काफ़ी दूर जाने के कारण कई सालों तक वो अपने मामा के घर नहीं जा पाए सात आठ साल के बाद जब एक बार वो मामा के घर जाते हैं तो उसे बदलू काका याद ही नहीं रहते अपने मामा के घर रहते हुए वो देखता है कि अब गांव स्त्रिया, की स्त्रियाँ कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी हैं जिस कांच की चूड़ियों से बदलू को बहुत नफरत थी बदलू कांच की चूड़ियों से बहुत नफ़रत करता था बदलू कहता था ये कोई पहनने की चीज़ है और औरतें यदि कांच की चूड़ियाँ गाँव में पहन लें तो बदलू उन्हें अनाप शनाप भी बोल देता था क्योंकि वो जानता था कि कांच की चूड़ियाँ मशीन से बनती हैं और मशीनें हमेशा हाथ के कारीगरों का काम छीन लेती हैं जब इस बार सात आठ साल के बाद नायक अपने मामा के गांव गया तो वो देखता है कि गांव की लगभग सभी औरतें अब कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं लेकिन फिर भी उसे बदलू का ख्याल नहीं आता उसे बदलू का ख्याल तब आता है जब उनके मामा की छोटी लड़की बरसात में फिसल कर गिर जाती है और उसके कांच की चूड़ी टूट कर उसके हाथ में लग जाती है और उसका हाथ लव हो जाता है मामा घर पे नहीं है ऐसे में नायक को ही अपने छोटी बहन के हाथ में मरहम पट्टी करनी पड़ती है ऐसे में तब उसे लाख की चूड़ी याद आती है और उसे याद आते हैं बदलू काका वो अगले दिन बदलू काका के घर चला जाता है बदलू काका थोड़े से बुजुर्ग हो गए हैं और अपने घर चारपाई पर लेटे हैं बुझा उन्हें नमस्ते करता है पर बदलू काका उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि नायक बड़ा हो गया है ना समय के साथ बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बड़े होने के कारण बदलू काका नायक को पहचान नहीं पाते तब वो बताता है कि काका मैं जनार्दन हूँ जो आपके पास से छोटी छोटी रंग बिरंगी गोलियाँ ले जाता था अब बदलू काका उसे पहचान जाते हैं बदलू काका उसे बचपन से लला कहा करते थे खुश होकर कहते हैं अरे लला आओ बैठो बड़े सालों के बाद आए वो बताता है कि वो अपने पिताजी के साथ पिताजी का तबादला दूर हो गया इसीलिए कई सालों के बाद वो घर आया है वो पूछता है कि बदलू काका काम कैसा चल रहा है तो बदलू काका बताते हैं कि अब काम नहीं चल रहा क्योंकि लाख की चूड़ियाँ अब कौन पहनता है अब तो सभी लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं और मशीनी युग ने इस मशीन से बनी कांच की चूड़ियों ने हम हाथ के कारीगरों का काम छीन लिया उसके चेहरे पर हताशा देखने को मिलती है ऐसे में बात बदलने के लिए नायक कहता है कि काका गाय कैसी है गाय तो दूध वूध देती है ना? ऐसे में बदलू काका कहते हैं कि इस गरीबी में जब मेरे पास काम भी नहीं है मैं गाय को क्या खिलाता इसलिए दो साल पहले मैंने गाय बेच दी तब फिर नायक फिर से बात बदलते हुए उनसे कहता है कि आम की फसल तो अच्छी हुई है ना काका और इस पर बदलू काका खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ आम की फसल बढ़िया हुई है और फिर अपनी बेटी को आवाज़ देते हैं कि रज्जो लला के लिए आम ले आ रज्जो घर में से टोकरी भर आम ले आती है और उसे देख कर लेखक कहता है अरे काका इतने मैं थोड़ी खाऊंगा ऐसे में बदलू काका कहते हैं कि जब हम आपकी उम्र के थे ना तो इतने आम तो मिनटों में खा जाया करते थे पर चलो शहर के लोगों की बात ही और है और रज्जो से कहते हैं कि तो चार पांच आम निकाल कर पके हुए लला को दे दो और ऐसे में जब वो रज्जो नायक को आम दे रही होती है नायक देखता है कि उसके हाथ में लाख की चूड़ियां हैं और उसके देखते हुए फटाफट से बदलू काका समझ जाते हैं और बदलू काका कहते हैं कि ये आखिरी जोड़ा मैंने बनाया था जिसे जमींदार की बेटी के ब्याह के लिए तैयार किया गया था पर जमींदार साहब इसे दस आने में खरीदना चाहते थे मैंने कहा मैं बेचूंगा नहीं बल्कि अनाज के बदले ही दूंगा इसीलिए मैं बेचूंगा नहीं और मैंने उन्हें कहा ख़रीदना है तो जाओ शहर से खरीद लो कमाल की कहानी है ना कि गरीबी में भी बदलू का का अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ते और ऐसा स्वाभिमान कि वो ये अपनी गरीबी में भी अपनी वो हाथ की बनाई हुई चीज़ को बेचने को तैयार नहीं है बच्चों कहानी अच्छी लगी ना तो आइए अब इस कहानी का पाठ मेरे साथ कीजिए सारे गाँव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें वैसे तो मेरे मामा के गाँव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका -का कहा करता था जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता पास में चार छः विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल व चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता बदलू यह कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठ कर किया करता जो बहुत ही पुरानी थी बगल में ही उसका हुक्का रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता लगभग रोज ही वह चार छः जोड़े चूड़ियाँ बनाता पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता मानो वह बेलन न होकर किसी नवबधू की कलाई हो बदलू मनिहार था चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता ना था उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा हाँ शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए परंतु विवाह के अवसर पर सारी कसर निकाल लेता था आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे विवाह में इसी जोड़े का मूल इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिलते ढेरों अनाज उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग यदि संसार में बदलू को किसी बात से थी, तो वह थी कांच की चूड़ियों से यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसी कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उड़ता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता मुझसे तो वो घंटे बातें किया करता कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता शहर की बात और है लला वहाँ तो सभी कुछ होता है वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए एक दो गोलियाँ बना देता मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा कि तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका तब लगभग आठ दस वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी अतः गाँव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियाँ कांच की चूड़ियाँ पहनी हैं विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूट कर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा मेरे मामा उस समय घर पर न थे मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊ अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था नमस्ते बदलू काका मैंने कहा नमस्ते भैया उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा मैं हूँ जनार्दन काका आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था मैंने अपना परिचय दिया बदलू फिर भी चुप रहा मानो वो अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो और तब वह एकदम बोल पड़ा आओ आओ लला बैठो बहुत दिन बाद गाँव आए हाँ इधर आना नहीं हो सका काका मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया कुछ देर फिर शांति रही मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई न ही भट्टी आजकल काम नहीं करते काका मैंने पूछा नहीं लला काम तो कई साल से बंद है मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है वह कुछ देर चुप रहा फिर बोला मशीन युग है न लला आजकल सब काम मशीन से होता है खेत भी मशीन से जोते जाते हैं फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है बड़ी जल्दी टूट जाता है मैंने कहा नाजुक तो फिर होता ही है लला कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा मुझे लगा उसे दमा है अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला दमा नहीं है मुझे फसली खांसी है यही महीने दो महीने से आ रही है दस पंद्रह दिन में ठीक हो जाएगी मैं चुप रहा मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है मैं देर तक सोचता रहा इस मशीन युग में कितने हाथ काट दिए हैं कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी आम की फसल अब कैसी है काका कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा अच्छी है लला बहुत अच्छी उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी अरे रज्जो लला के लिए आम ले आओ नहीं, नहीं काका आम तो इस साल बहुत खाए हैं वाह वाह बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको मैं चुप हो गया मुझे वे दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था गाय तो अच्छी है ना काका मैंने पूछा गाय कहाँ है लला दो साल हुए बेच दी कहाँ से खिलाता इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई यह तो बहुत है काका इतनी कहाँ खा पाऊँगा मैंने कहा मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था आप लोगों की बात और है मैंने उत्तर दिया अच्छा बेटी लला को चार पांच आम छांट कर दो सिंदूरी वाले देना देखो लला कैसे हैं इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है रज्जो ने चार पांच आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दी आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिटक गई गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत फप रही थी बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर दस आने पैसे मुझको दे रहे थे मैंने जोड़ा नहीं दिया कहा शहर से ले आओ मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी उसका व्यक्तित्व कांत की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए हाँ तो बच्चों आपने पढ़ा और समझा कैसी लगी कहानी कहानी अच्छी है ना इसमें दो तीन बातों को समझ लें पहली बात व्यक्ति को अपने सिद्धांतों का पक्का होना चाहिए देखो बदलू गरीब होने के बावजूद भी और काम न होने की स्थिति में भी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ता वो अनाज के बदले अपनी चूड़ियाँ बेचता है और अपने काम न होने की स्थिति में भी वो अनाज के बदले ही चूड़ियाँ बेचने को तैयार है वो पैसे के बदले अपनी चूड़ियाँ नहीं बेचता तो व्यक्ति को चाहे वो किसी भी स्थिति हो स्वाभिमान के साथ जीना और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना आना चाहिए अगली बात बच्चों ध्यान देने वाली ये है कि वस्तु विनिमय को समझें वस्तु विनिमय का मतलब है कि वस्तु के बदले किसी वस्तु को देना यानी किसी चीज को बेचना नहीं आजकल मजदूरी का जमाना है पारिश्रमिक देना यानी कि आप किसी चीज़ को बेचना चाहते हैं किसी चीज़ को बनाकर अपनी कला को बेचना चाहते हैं तो उसके बदले आपको पैसे मिल जाते हैं यानी आपको उसकी मज़दूरी दी जाती है जो अच्छे कारीगर हैं वो मजदूरी शब्द से बड़ा परहेज करते हैं और इसीलिए आजकल कारीगरों की कद्र ख़त्म होती जा रही है हम केवल पैसों की कीमत से ही कारीगर खरीदना चाहते हैं तो कारीगरों की कद्र ख़त्म होना ये बुरी बात है वस्तु विनिमय की स्थिति में कारीगरों की कद्र होती थी उनकी इज्जत होती थी आपको मैंने बताया था ना कि विवाह के समय में लोग कितनी मान मनोबल करते थे बदलू की बदलू अपनी अपनी स्त्री के लिए कपड़े ले लेता ले ले था अपनी पगड़ी ले लेता ले था घर के लिए अनाज इकट्ठा कर लेता था और पैसे अलग से तो उसकी गांव में इज्जत थी लोगों को पता था कि बदलू के बिना सुहाग का जोड़ा नहीं मिलेगा इसीलिए कारीगर होने के बावजूद भी उसकी इज्जत थी वस्तु विनिमय ने कारीगरों को इज्जत दी थी स्वाभिमान के साथ जीने का मौका दिया था लेकिन आधुनिक युग में पारिश्रमिक के युग में हमारे लिए कारीगर केवल मजदूर बन गए हैं तो इसलिए वस्तु विनिमय की स्थिति को समझना आपके लिए आवश्यक है इसमें एक बात और समझें कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है ऐसे में रुपए पैसे पर प्रायः पुरुषों का अधिकार था और उन्हें खर्चने के लिए उनकी आज्ञा की आवश्यकता होती थी ऐसे में अपने लिए कोई चीज खरीदते समय औरतें प्रायः अनाज का ही प्रयोग करती थीं। इसमें उनको सुविधा होती थी वस्तु विनिमय के प्रचलन का एक कारण यह भी था तीसरी चीज आप समझें मशीनी युग ने हमारी हस्तशिल्प कला को हाथ के कारीगरों को बेरोजगार कर दिया है जैसे आपने देखा ना कि कांच की चूड़ियाँ मशीन से बनती हैं मशीन से कांच की चूड़ियाँ बनने के कारण लाख के चूड़ियों के कारीगर जो हाथ से लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं वो बेरोजगार हो गए तो बदलू बेरोजगार हो गया बदलू के पास काम नहीं था है ना इसी तरह से कई सारे कारीगर आप देखेंगे लकड़ी का काम मशीन से होने लगा आप देखेंगे लोहे का काम मशीन से होने लगा इसलिए हमारे गाँव के हाथ के कारीगर का जो लोहे का लकड़ी का चूड़ियों का काम करते हैं वो बेरोजगार हो गए ऐसे कई सारे हाथ के कारीगर बेरोजगार हो गए मशीनों के आने के कारण तो आपका काम ये है कि आप ये अपने पास एक सूची बनाएं कि आपके गांव में कौन कौन से काम हाथ के कारीगर करते हैं एक लंबी सूची बनाएं, दस बारह कामों के नाम लिखें और ये भी देखें कि कौन कौन से लोग मशीन आने के कारण हाथ के कारीगर कौन से बेरोजगार हो गए हैं चलिए बच्चों इस पाठ से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों के जवाब देने की भी आप कोशिश कीजिए तो मैं पूछूं, मेरा पहला सवाल है बदलू कौन था ये तो अच्छे से पता होगा ना आपको तो खूब सोचकर अच्छे से इसका जवाब दीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए चलिए आगे पूछता हूँ मेरा दूसरा प्रश्न है कि लेखक अपनी मामा के घर कई सालों तक क्यों नहीं जा पाया बताइए क्यों नहीं जा पाया पता है ना आपको तो इसे भी अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए चलिए मेरा तीसरा प्रश्न है बदलू कांच की चूड़ियों से इतनी नफरत क्यों करता था बच्चों सोच कर जवाब देना ठीक है बच्चों बच्चों मेरे आखिरी प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कीजिए कांच की चूड़ियों ने बदलू को बेरोजगार कर दिया बताइए कैसे आप जब भी कभी बाजार में जाएं मेले में जाएं प्रदर्शनी में जाएं तो आप ये देखें कि कौन कौन सी चीज़ें अभी भी हाथ से बनाई हुई आ रही हैं कौन कौन से हाथ के कारीगर अभी भी बाजार में अपनी चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं और कोशिश करें कि उनकी उन चीज़ों को खरीदें ताकि उन हाथ के कारीगरों को स्वाभिमानी लोगों को काम मिल सके उनकी चीज़ों को आप खरीदते रहेंगे तो उनको काम मिलता रहेगा उनका रोज़गार चलता रहेगा बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा इसे ध्यान से सुने और अपना पाठ करें अपने घर में खुश रहें स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें